चिदंबरम को सीबीआई ने उठाया, $50,000 कैश हुआ बरामद, एडनाए ने भी ठोका। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के परिवार और खासकर बेटे कार्ति और उनकी कंपनियों की 14 से अधिक देशों में भारी संपत्ति के बारे में आयकर की चेन्नई जांच इकाई की 200 से अधिक पन्नों की रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो गई है। हाल ही में इस संवेदनशील रिपोर्ट का कुछ हिस्सा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक किया था। कई मीडिया हाउस जिनके मालिक मित्रवत हैं और उन्होंने चिदंबरम के साथ मिलकर इस खबर को ब्लैकआउट करने की कोशिश की। चलिए इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देशहित में काम कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो हमें आप UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें और हमारे चैनल को सशक्त बनाएं। अब चलिए आपको पूरी खबर की ओर ले चलते हैं। जनता के हित में हम आयकर और प्रवर्तन निदेशालय की संयुक्त छापेमारी में मिली संपत्तियों और बैंक खातों का पूरा डेटा तैयार कर रहे हैं। यूके में मेट्रो बैंक में कार्ति और उनकी कंपनियों के 21 विदेशी बैंक खाते, एयरसेल मैक्सिस घोटाले में रिश्वत में पकड़ी गई विवादास्पद कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग पीटी लिमिटेड के नाम पर सिंगापुर में OCBC में 4 खाते, स्पेन में सबडेल एटलांटिको के 2 बैंक हैं, ला कैक्सिया बैंक HSBC यूके, मोनाको में बार्कलेज बैंक, फ्रांस में मार्सिले BNP पारिबा, स्विट्जरलैंड में UBS आदि। जांचकर्ताओं द्वारा खोजे गए 21 गुप्त विदेशी बैंक खातों की विवरण सूची इस पोस्ट के अंत में प्रकाशित की गई है। कार्ति की कंपनियों से हार्ड डिस्क जब्त करने वाले आयकर ने पाया कि पी चिदंबरम, पत्नी नलिनी चिदंबरम, बेटे कार्ति और उनकी पत्नी श्रीनिधि ने संयुक्त रूप से यूके में कैम्ब्रिज में एक संपत्ति और एक बड़ा महलनुमा घर खरीदा था। आयकर द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों के अनुसार चिदंबरम और परिवार द्वारा खरीदी गई संपत्ति है 5 होलबेन क्लोज कैम्ब्रिज। यह विशाल संपत्ति और घर एडमंड सुले होल्ड और हीदर होल्ड से खरीदा गया था और पैसे का लेन देन लंदन के मेट्रो बैंक खाता संख्या 1671431313 में कार्ति के निजी खाते से किया गया था। चिदंबरम ने संसद सदस्य सांसद के रूप में अपने किसी भी अनिवार्य हलफनामे में इस संपत्ति की कभी घोषणा नहीं की या मंत्री। मई 2016 में राज्यसभा में दिए अपने हलफनामे में चिदंबरम ने संपत्ति का केवल एक तिहाई हिस्सा ही पत्नी नलिनी की संपत्ति बताया था। उन्होंने अपनी पत्नी के हिस्से की इस संपत्ति की कीमत भी कम करके महज 55 करोड़ रुपए बताई, जबकि यूके की रियल एस्टेट वेबसाइटों का अनुमान है कि कैम्ब्रिज में इस संपत्ति की कीमत 85 करोड़ रुपए से अधिक है। कार्ति की एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की सिंगापुर कंपनी के बैंक खाते यूके में संपत्तियां खरीदने के लिए हैं, जैसे यूके के समरसेट में सरिज फार्म के नाम से जाना जाने वाला 88 एकड़ का फार्म हाउस खरीदना। रजिस्ट्री में जमीन की कीमत 10 लाख पाउंड दिखाई गई है। कैम्ब्रिज में एक और संपत्ति सेरेस 29 कैम्ब्रिज में मीड हाउस में है। चिदंबरम के बेटे कार्ति ने रियल एस्टेट में निवेश करके और लंदन, दुबई, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, फ्रांस में अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होकर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में एक विशाल साम्राज्य बनाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ग्रीस और स्पेन। ज्यादातर खरीदारी 2006 से 2014 के दौरान हुई जब चिदंबरम वित्त मंत्री और गृह मंत्री थे। जांच एजेंसियों का अनुमान है कि दुनिया भर में ये संपत्ति $3 अरब से अधिक होने की उम्मीद है। चिदंबरम ने प्रथम विश्व के देशों में रियल एस्टेट में निवेश क्यों किया? यह पोस्ट आपको एक सुराग देगी।
कार्ति की सिंगापुर स्थित कंपनी ने श्रीलंका में एक बड़े रिसॉर्ट के बहुमत शेयरों का अधिग्रहण किया था, जिसे लंका फॉर्च्यून रेजिडेंसी के नाम से जाना जाता है। यह कंपनी प्रतिष्ठित रिसॉर्ट्स द वॉटरफ्रंट, वेलिगामा बे रिसॉर्ट और एमराल्ड बे होटल की मालिक है। कार्ति की सिंगापुर फर्म ने दक्षिण अफ्रीका में 3 फार्मों और अंगूर के बागों का अधिग्रहण करने के लिए दुबई के माध्यम से पैसा भेजा, जिनकी पहचान ग्रैबाओ में रोवे फार्म, कैप ऑर्चर्ड्स एंड वाइनयार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड और एश्टन में वाइन और स्टड फार्म जेंडवलिएट एंटरप्राइजेज के रूप में की गई। दुबई स्थित डेजर्ट ड्यून्स प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने कार्ति की सिंगापुर स्थित कंपनी एडवांटेज में भी निवेश किया है। जांच में इन कंपनियों के बीच एक 7 मिलियन सिंगापुर डॉलर के मनी ट्रेल का पता चला है। दुबई स्थित एक अन्य कंपनी पल दुबई एफएक्स एलएलसी ने भी एडवांटेज के साथ वित्तीय लेनदेन किया था। इससे पता चलता है कि कार्ति से जुड़ी कंपनियों के कार्यालय और संपत्तियां संयुक्त अरब अमीरात में भी हैं। एडवांटेज के सेरेस 29 मीड हाउस ने इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग एशिया की फ्रेंचाइजी टीम प्राप्त करने के लिए फिलीपींस स्थित कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया था। फिलीपीन की कंपनियां, जो कार्ति नियंत्रित कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम में लगी हुई थी, वे हैं एसएम एरिना कॉम्प्लेक्स कॉरपोरेशन, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट इवेंट्स मैनेजमेंट इंक। एडवांटेज ने सिंगापुर की एक अन्य रियल एस्टेट कंपनी, जिसे रियल बियॉन्ड पीटीई के नाम से जाना जाता है, के साथ भी वित्तीय लेनदेन किया था। लिमिटेड की मलेशिया में 3 सहायक कंपनियां हैं। जांच से पता चला है कि इन लेनदेन के कारण थाईलैंड में 16 जमीनें खरीदी गई। एडवांटेज की सिंगापुर इकाई ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड बीवीआई में एक फर्म स्थापित की है, जिसका नाम समरसेट सरिज लिमिटेड है। एडवांटेज ने फुल इनोवेशन लिमिटेड नामक एक अन्य बीवीआई फर्म में 400,000 सिंगापुर डॉलर का निवेश किया। इसका बीवीआई में गेबेन ट्रेडिंग लिमिटेड और स्विट्जरलैंड में कार्यालयों के साथ वित्तीय लेनदेन भी है। इस फर्म का प्रमुख लेनदेन प्रसिद्ध स्विस बैंक अर्थात यूबीएस के माध्यम से हुआ था। जांचकर्ताओं को डॉलर और यूरो में लेनदेन के सबूत मिले हैं। एडवांटेज ने सिंगापुर की एक अन्य कंपनी यूनिसन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ भी 5 मिलियन सिंगापुर डॉलर का लेनदेन किया है। सिंगापुर में कार्ति नियंत्रित कंपनी ने मनीला मावेरिक्स नामक एक फ्रेंचाइजी टेनिस टीम खरीदने के लिए ग्रेविटास इन्वेस्टमेंट्स, मैच पॉइंट इंटरनेशनल टेनिस इवेंट्स के साथ संयुक्त उद्यम में प्रवेश किया। यह डील 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर की थी और पैसे का भुगतान 10 किश्तों में किया गया था। कार्ति की सिंगापुर कंपनी ने पेनिनसुलर स्मार्ट नामक फर्म से मलेशिया में एक 9 मिलियन मलेशियाई रिंगिट मूल्य का एक आवासीय फ्लैट भी हासिल किया। जांच टीम को कुछ समझौते के कागजात भी मिले, जिससे पता चलता है कि एडवांटेज के पास मलेशिया में कुछ स्थानों पर कैफे कॉफी डे की फ्रेंचाइजी है। जांचकर्ताओं को कार्ति की सिंगापुर फर्म में मलेशियाई कंपनियों के साथ कई लेनदेन का पता चला है। मलेशिया टेलीकॉम दिग्गज मैक्सिस का मुख्यालय है, जिसने 2006 में एयरसेल का अधिग्रहण किया था। आईटी और ईडी अधिकारियों ने विदेशी मुद्राओं में 30 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान विवरण जब्त किए हैं। सिंगापुर में एडवांटेज ने अगस्त 2012 में स्पेन के बार्सिलोना में एडवांटेज एस्ट्रेटेगिया एस्पोर्टिवा एसएलयू के नाम से एक सहायक फर्म भी खोली। यह स्पेन में 7 टेनिस कोर्ट के साथ 4 एकड़ जमीन वाली एक खेल अकादमी है। कार्ति से जुड़ी सिंगापुर की कंपनी ने फ्रांस की एक कंपनी में भी 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, जिसे पैम्पेलोन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। एडवांटेज का एथेंस में पिसानी जॉन सकेलारियोस नामक ग्रीक फर्म के साथ भी लेन देन है। कार्ति की कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड SCPL ने एयरसेल टेलीवेंचर्स, DCB क्लाइंट, डियाजियो स्कॉटलैंड लिमिटेड, कटरा ग्रुप,
श्रीलंका एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड, यूनिफी वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स, कार्लटन ट्रेडिंग कंपनी, क्लेरिस लाइफ साइंसेज के साथ लेन देन किया था। आईटीसी सेंटर, बेस्ट लैंड रियल्टी लिमिटेड, एसआर स्टील लिमिटेड, गोकुल बिल्डर्स एंड एस्टेट्स, एस कुमार, आईएनएक्स मीडिया, रिफ्लेक्शंस, थियागराजर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सक्सॉफ्ट, ईएल फोर्ज लिमिटेड। कार्ती की कंपनियों से हार्ड डिस्क जब्त करने वाले आयकर ने यह भी पाया कि कार्ती को अपने पिता पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ लंबित कई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB सौदों में रिश्वत के रूप में बड़ी रकम मिलती थी। 22 सितंबर 2008 को SCPL को INX मीडिया, जिसे अब न्यूज एक्स टीवी चैनल के नाम से जाना जाता है, से 35 लाख रुपए मिले, जिसने इस अवधि के दौरान $220 मिलियन की FIPB मंजूरी के लिए आवेदन किया था। उसी दिन INX मीडिया की ओर से नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को 60 लाख रुपए का भुगतान किया गया। इस नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख शेयर CBN रेड्डी द्वारा नियंत्रित हैं, जो एक बेनामी है, और SCPL और इसकी सिंगापुर सहायक कंपनी के निदेशक भी हैं। 24 सितंबर 2008 को इंक्स मीडिया द्वारा एस्पल की सिंगापुर सहायक कंपनी को $20,000 की एक और किश्त का भुगतान किया गया। 26 सितंबर 2008 को SCPL ने ग्रीस के एथेंस में गेबेन ट्रेडिंग लिमिटेड के साथ $50,000 का धन लेन देन किया था। इस कंपनी का पता चार जैफ मत्सा स्ट्रीट 14,564 एथेंस ग्रीन्स है और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स BVI में शामिल है। SCPL के पैसे का लेन देन स्विट्जरलैंड में UBS जिनेवा में गेबेन ट्रेडिंग के बैंक खाते में भी दिखाया गया है। बैंकिंग लेन देन विवरण के ईमेल कार्ती को भी चिन्हित किए गए थे और दस्तावेज ग्रीस में स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास केंद्रों के व्यावसायिक अधिग्रहण के बारे में बताते हैं। ये सभी लेन देन तब हुए जब INX मीडिया के $220 मिलियन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को मंजूरी कार्ती के पिता वित्त मंत्री पी चिदंबरम के पास लंबित थी। संक्षेप में, हत्या के आरोपी पीटर और इंद्राणी मुखर्जी, जिन्होंने अपना INX मीडिया बेचा था, ने FIPB मंजूरी के लिए कार्ती से जुड़ी कंपनियों को लगभग 9 करोड़ रुपए का भुगतान किया। अगस्त 2008 में कार्ती की सिंगापुर कंपनी को मीडिया फर्म नेटवर्क 18 की लंदन स्थित कंपनी आर्टेविया डिजिटल UK में 60 लाख शेयर मिले। यह सौदा तब हुआ जब नेटवर्क 18 ने FIPB मंजूरी की एक श्रृंखला के लिए आवेदन किया था, जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे। इससे FIPB मंजूरी की प्रक्रिया के लिए लगभग 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली। आयकर द्वारा खोजे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान SCPL को कई कंपनियों से धन प्राप्त हुआ था, जब उनकी FDI निवेश फाइलें FIPB और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCA के पास थी। जिन कंपनियों ने कार्ती के SCPL को पैसा हस्तांतरित किया, उनमें क्लेरिस लाइफ साइंसेज, डियाजियो स्कॉटलैंड लिमिटेड, जिसने भगोड़े विजय माल्या की UB स्पिरिट्स का अधिग्रहण किया, कटरा ग्रुप, आर्सेलर मित्तल से जुड़ी सक्सॉफ्ट, रिफ्लेक्शन स्पार्क कैपिटल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित है। आयकर विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार इन सभी सौदों में लगभग रू वित्त मंत्रालय में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान आवश्यक FIPB और CCA मंजूरी के लिए कार्ती से जुड़ी कंपनियों को 500 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। छापे से जब्त किए गए दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि SCPL को बेस्ट लैंड रियल्टी से पैसा मिला था, जब कंपनी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU बैंकों से 304 करोड़ रुपए का ऋण मिला था। एक विचित्र घटना में भगोड़े विजय माल्या की UB स्पिरिट्स का अधिग्रहण करने वाली ब्रिटिश कंपनी डियाजियो स्कॉटलैंड लिमिटेड ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह,
वित्त मंत्री चिदंबरम के साथ नियुक्तियां तय करने के लिए कार्ति की SCPL को सेवा शुल्क के रूप में $15,000 का भुगतान भी किया था। डियाजियो के ईमेल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री चिदंबरम के साथ कंपनी के मालिक लॉर्ड ब्लिथ की नियुक्ति तय करने के लिए कार्ति को धन्यवाद दिया गया है। धन्यवाद ईमेल में PM और FM के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए सेवा शुल्क के रूप में $15,000 की भुगतान रसीद भी संलग्न की गई है। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला शुरू करने वाली शक्ति के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है। चिदंबरम द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करके बेटे की कंपनी के प्रति पक्षपात का एक और स्पष्ट मामला है। सितंबर 2006 में रूस के नेशनल इंडस्ट्रियल बैंक नासप्रोम ने कार्ति के SCPL को इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ अपने संयुक्त उद्यम के लिए बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया। आयकर द्वारा जब्त किए गए दस्तावेजों में रूसी बैंक नासप्रोम के साथ SCPL का समझौता और चेन्नई में बैठकों सहित IOB के साथ नासप्रोम के संचार की श्रृंखला शामिल थी। ईमेल से पता चलता है कि रूसी बैंक और PSU IOB के साथ प्रत्येक लेनदेन में कार्ति के SCPL ने परामर्श के रूप में पैसा कमाया। रूसी बैंक के समझौते में कहा गया है कि कार्ति की SCPL की सिंगापुर सहायक कंपनी को शुरुआती $25,000 प्रोसेसिंग शुल्क के अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ सभी लेनदेन पर कमीशन के रूप में 5% मिलेगा। यह PSU बैंक IOB और रूसी बैंक नासप्रोम के बीच प्रत्येक धन हस्तांतरण के लिए बेटे कार्ति की कंपनी के लिए कटौती पाने के लिए वित्त मंत्री चिदंबरम द्वारा सत्ता के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है। कार्ति की एस्पल को दक्षिण अफ्रीकी कंपनी निकोलस स्टाइन्स एसोसिएट्स लिमिटेड से भी भारी पैसा मिला। दक्षिण अफ्रीका की यह कंपनी IPL क्रिकेट को सुरक्षा मुहैया कराने का काम करती थी और कार्ति की कंपनी के साथ पैसों का लेन देन तब हुआ था जब चिदंबरम गृह मंत्री थे। दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे तो ASCPL को नाबार्ड बांड की बिक्री के लिए एलियन सिक्योरिटीज से कमीशन के रूप में बड़ी रकम मिली थी। कार्ति की मेलेट्रेक लिमिटेड की ओर से शेयरों की बिक्री और मैसूर में VST टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स लिमिटेड को जमीन का बड़ा हिस्सा बेचने के संबंध में वित्त मंत्री चिदंबरम को पैसे का भुगतान किया गया था। जमीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास गिरवी थी। चिदंबरम को मेलेट्रेक लिमिटेड के असुरक्षित ऋणदाता के रूप में दिखाया गया था। ASCPL सहित सभी कार्ति कंपनियों में एक बहुत दिलचस्प बात है। CBN रेड्डी, भास्कर रमन, मोहनन राजेश, रवि विश्वनाथन और वी पद्मा जैसे 5 सामान्य निदेशक हैं। आयकर ने पाया कि इन सभी 5 व्यक्तियों ने एक विचित्र वसीयत में प्रवेश किया है कि वे पी चिदंबरम के प्रति सम्मान और प्यार को ध्यान में रखते हुए कार्तिया उनकी बेटी अदिति को सभी संपत्तियां और परिसंपत्तियां देना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि ये 5 लोग और कुछ नहीं बल्कि कार्ति और पी चिदंबरम के बेनामी हैं। होटल मोजार्ट क्रोएशिया का एक प्रसिद्ध होटल है और होटल की इमारत का ऐतिहासिक महत्व है। यह इमारत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूगोस्लाविया की सेना का मुख्यालय थी। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पता चलता है कि कार्ति ने इस होटल में $5 मिलियन का निवेश किया होगा। आयकर रिपोर्ट के अनुसार कार्ति की कंपनी एडवांटेज स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड ACPL ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ नियुक्तियां तय करने के लिए UK की शराब कंपनी डियाजियो से $15,000 भी स्वीकार किए थे। दस्तावेजों से पता चला कि पी चिदंबरम रुपए का किराया देते हैं। 4 मंजिला जोर बाग घर की एक मंजिल के उपयोग के लिए उनकी पत्नी और इकलौते बेटे को 2 लाख प्रति माह। क्या PC परिवार के पास केवल एक ही मंजिल है? अन्य 3 का मालिक कौन है? यह यकीनन भारत में किसी राजनेता के परिवार से काले धन की सबसे बड़ी पकड़ में से एक है।
अरबों डॉलर का सवाल यह है कि सरकार कब सीबीआई, ईडी और आयकर को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीएमएलए बेनामी लेनदेन अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने और चिदंबरम और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ काले धन को जब्त करने का आदेश देगी। आपसे अनुरोध है कि हम देशहित में काम कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो हमें आप UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें और हमारे चैनल को सशक्त बनाएं।